पास है मॉनसून। ठीक है, मॉनसून क्या होता है? कहते हैं ना कि मॉनसून की बारिश पड़ रही है, तो मॉनसून क्या होता है एक्चुअल में? द वर्ड मॉनसून हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन सीजन। ठीक है, जो मॉनसून है ये एक अरेबिक वर्ड से आया है, जिस जो है मौसम, मौसम का मतलब होता है सीजन। ठीक है, जो सीजन जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो मौसम सीजन और मौसम से बना है मॉनसून। ओके, मॉनसून इज ऑफन रेफर टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ओवर द इंडियन ओशियन स्पेशली इन अरेबियन सी। देखो जो इंडियन ओशियन है उसमें, जो अरेबियन सी है उसमें जब विंड्स का सीजनल रिवर्सल होता है, ठीक है, एक सीजन के बाद जो विंड्स है वो दोबारा जो है उसी जो ओशन में, उसी अरेबियन सी में जाती है रिवर्स होकर। ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, जैसे कि देखो ये इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, ठीक है, पहले ये इधर जाएंगी, ठीक है, जैसे कि पूरे इंडिया है यहाँ पे, तो इंडिया को कवर करेंगी, ठीक है, तो फिर ये रिवर्स होकर फिर वहीं चली जाएंगी। तो ये सीजनल रिवर्स होता है, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग ये आती है फिर विंड्स जो है चली जाती है। तो ये जो सीजनल रिवर्स होता है विंड्स का, उसे मॉनसून बोला जाता है। मॉनसून में क्या होता है कि जो विंड्स हैं हमारे ओशियन से निकलकर आती हैं, ठीक है, अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आती हैं, बहुत सारी वेपोरेशन लेकर आती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं हमारे इंडिया में जो है रेनफॉल करती हैं, और उसके बाद जो है फिर वो ओशियन में चली जाती हैं सीजन के अकॉर्डिंग, फिर वो आएंगी, उसमें पानी जो है वेपोरेशन होगा, ठीक है, फिर वो आएंगी, फिर चल जाएंगी। ऐसे जो सीजनल का सीजनल रिवर्स होता रहेगा विंड्स का, उसे जो है मॉनसून बोला जाता है। ठीक है, जो इंडिया है ये एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में सिचुएटेड है, और ये जो ट्रेड विंड्स है ये पूरा साल जो है आती जाती रहती है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री, इंडिया में जो टोटल प्रेसिपिटेशन है वो है 1194 mm। ठीक है, और टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम इन इंडिया, पूरे इंडिया में जो रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम में जो रेनफॉल होता है वो है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ठीक है, एवरेज रेनी डेज इन कंट्री, इंडिया में कितने ऐसे जो एवरेज रेनी डेज हैं जिनमें रेन होती है, तो है एक साल में 130 दिन जो है कंट्री में रेनफॉल होता है। रेनी डे किसे बोला जाता है? जब 2.5 mm से ज्यादा की रेन हो 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में 2.5 mm से ज्यादा की रेन हो उसे रेनी डे बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, जो मॉनसून है वो दो तरह का होता है, एक है साउथ वेस्ट मॉनसून और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, देखो जो इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो दो मॉनसून से होती है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून रीच साउथ इंडिया स्पेशली इन केरला अराउंड 1 June ऑफ एवरी ईयर एंड इन द मिडल ऑफ जुलाई इट कवर्स होल इंडिया अंडर द ग्रिप ऑफ रेनफॉल। ठीक है, देखो जो मिडल ऑफ जुलाई में जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो साउथ इंडिया में 1 June को पहुंच जाता है। ठीक है, हर साल जो है इससे आगे पीछे, मतलब करीब 1 June को जो है केरला में जो है साउथ वेस्ट मॉनसून पहुंच जाता है, और मिडल ऑफ जुलाई तक, मतलब कि 1.5 month में ये पूरे के पूरे इंडिया को रेनफॉल के अंडर जो है कवर कर लेता है। इट विथड्रॉल फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान इन 1 September टू कंप्लीट विथड्रॉल फ्रॉम होल कंट्री बाय 15 October। ठीक है, 1 September को ये राजस्थान से अपना विथड्रॉल कर लेता है, और पूरी कंट्री में से 15 October को जो है अपना कंप्लीट विथड्रॉल कर लेता है, मतलब पूरा चला जाता है यहाँ से। ठीक है, इट मूव 30 km/h, इसकी जो एवरेज स्पीड है 30 km/h है। It contributes around more than 75% of total rainfall in India. India में जो total rainfall होती है उसका 75% से ज्यादा जो है साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून की दो ब्रांचेज हैं, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी ब्रांच जो है ये 770 mm जो है, मतलब के करीब 80% साउथ वेस्ट मॉनसून का अरेबियन सी ब्रांच से आता है, और ये नॉर्थ वर्ड की तरफ मूव करती है। ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ ये मूव करता है। बे ऑफ बंगाल जो है ये 340 mm जो है कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि 20% साउथ वेस्ट मॉनसून का बे ऑफ बंगाल से आता है, और ये असम की तरफ मूव करता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इज ऑनसेट एट अबाउट 15 October एंड लिमिटेड मोस्टली टू साउदर्न स्टेट्स।
एंड विथड्रॉल ऑलमोस्ट बाय मिड दिसंबर। ठीक है, देखो जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ये जो है 15 अक्टूबर को आता है और मिड दिसंबर में चला जाता है, और साउदर्न स्टेट्स जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वहीं पे जो है ये बारिश करता है। ठीक है, इस मॉनसून को रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोला जाता है, और इंडिया में जो रेनफॉल होती है टोटल उसका 15% जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से होता है। ठीक है, देखो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से जो है ज्यादातर जो है साउथ स्टेट्स जो है वो कवर की जाती हैं, लाइक जो नॉर्थ में हमारे रेनफॉल पड़ता है। ठीक है, जून जुलाई जो मंथ्स होते हैं उनमें जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो विंड्स हैं वो मूव करती हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो विंड्स मूव करती हैं उन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। इट इज डिफाइंड एज अ लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द विंड अबव द सरफेस विच मूव्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, इसमें जो है लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है जिसमें जो विंड है वो मूव करती है वेस्टर्न कंट्री से हिमालय माउंटेन्स के ऊपर। ठीक है, दिसंबर टू मार्च जो है एक मेन पीरियड होता है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैरी रेनफॉल इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विच आर यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, दिसंबर टू मार्च में जो रेनफॉल होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, जो कि रबी क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो दिसंबर और मार्च के बीच में जब ठंड में जो रेन पड़ती है, ठीक है, जब ठंड का मौसम होता है नॉर्थ में, तो जब रेनफॉल होता है तो वो जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसमें जो वेस्टर्न कंट्री से जो विंड्स हैं वो आती हैं और हिमालय माउंटेन्स की तरफ आती हैं और वहां पे जो आकर ये हमारे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल करती है।